अस्सलाम वालेकुम जानिस। तो क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, जिधर भी होंगे अपने हर्चे पे होंगे। आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा उदास भरी वीडियो है, बिकॉज़ आज हम बात करने वाले हैं सुशांत की। सुशांत सर ने जो है अभी हाल ही में सुसाइड जो है वो अटैम्प्ट की है। कहा यह जा रहा है कि उनके कुछ दोस्त और उनके जो घर में काम करने वाले हैं वो काफ़ी देर से उनको मैसेज वगैरह कर रहे थे तो वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही इनके घर में वो गए हैं, दरवाज़ा जो है इनको तोड़ के, यानी कि उनके घर में जैसे वो दाखिल हुए थे तो देखा तो उन्होंने जो है सुसाइड अटैम्प्ट की हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इनकी ये ब्रेकिंग न्यूज़, यानी कि अभी हाल ही में इन्होंने आज सुबह ही यानी कि ये अटैम्प्ट किया है, तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि ये सैड न्यूज़ है हमारे लिए। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले हम इसके मुतालिक थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो आखिर में हुआ क्या है। तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा इसको। खबर पर होगी आपकी पकड़, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दुखद और चौंकाने वाली खबर है। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने, यार इतने अच्छे ये एक्टर थे, बहुत अच्छे यार, इन्होंने किरदार भी बहुत अच्छा धोनी का अदा किया था। तो मुझे तो बहुत पर्सनली पसंद थे इनके ड्रामे, इनकी मूवीज थी। धोनी की जीवनी पर बनी फिल्म में काम किया था सुशांत सिंह राजपूत ने, उसमें उन्होंने धोनी का किरदार निभाया था। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, चौंकाने वाली और उतनी ही दुखद खबर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। बांद्रा इलाके में उनका घर था, वहीं पर उनका शव मिला है। खुदकुशी की वजह क्या है अभी ये साफ नहीं है, इसकी जानकारी अभी पता नहीं चल पाया कि खुदकुशी जो की है, जो सुसाइड अटेम्प्ट किया वो क्यों किया। काफी दिनों से वो एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें तो धोनी की जीवनी पर फिल्म बनी थी एमएस धोनी, उसमें उन्होंने धोनी का किरदार निभाया था, उससे वो चर्चा में आए थे। इसके पहले टीवी सीरियल्स में भी सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया। और अब जो बड़ी जानकारी, दुखद जानकारी और बहुत चौंकाने वाली खबर है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। बांद्रा इलाके में उनका घर था, वहीं पर उनका शव मिला है। और इस वक्त की बड़ी खबर, किसी को भी जानकारी नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्होंने इतना एक्सट्रीम कदम आखिर क्यों उठा लिया, क्या वजह रही। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत लगातार, उनका एक्टिंग करियर जो अभी है वो भी आगे बढ़ रहा था, एक के बाद एक लगातार अच्छी फिल्में वो कर रहे थे। उसके बाद अचानक इतना बड़ा कदम उन्होंने क्यों उठा लिया, क्या वजह रही, हर व्यक्ति इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगा हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये, सुशांत सिंह राजपूत ने, बांद्रा में उनका घर था, वहीं पर उनका शव मिला है, वो सुसाइड कर लिया। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, मुंबई के बांद्रा के घर से सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला है। सबकी बड़ी चौंकाने वाली और दुखद खबर है। फिल्म कायपोचे में काम किया था उन्होंने, केदारनाथ में काम किया था, एमएस धोनी की जीवनी पर जो फिल्म बनी थी उसमें उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था। और अब जो जानकारी मिल रही है, अपने घर में ही उनका शव बरामद हुआ है। मुंबई के बांद्रा में घर से उनका शव मिला है। मृत्युंजय कुमार सिंह जुड़ गए। मृत्युंजय, बहुत दुखद और चौंकाने वाली खबर, आखिर क्या है पूरी जानकारी? यार मृत्युंजय के पास चलेंगे, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुंबई से है बड़ी खबर, जहां पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव बांद्रा में उनके घर से बरामद हुआ है। बहुत बड़ी न्यूज़ है यार ये, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज ये इनको पाकिस्तान में भी लाइक किया जाता है, काफी अच्छे इनके एक्टर थे। मृत्युंजय लगातार जुड़ गए हमारे साथ फिर से एक बार। मृत्युंजय, क्या मिल रही पूरी जानकारी? सुशांत सिंह राजपूत के संदर्भ में जो जानकारी आई है, लगभग 45 मिनट पहले की बात है। उनके जो नौकर हैं उन्होंने बांद्रा पुलिस स्टेशन में फोन किया था, पहले 100 नंबर पर फोन किया था और फिर बांद्रा लोकल पुलिस स्टेशन में फोन किया था और बताया कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में, अपने बेडरूम में फांसी लगाई है। और इतनी जानकारी मिल पाई है और पुलिस ने अपनी टीम भेजी है उनके घर पर और वेरीफाई कर रही है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हुआ और कैसे हुआ। पुलिस बयान दर्ज करने के लिए वहां पर पहुंची हुई है। अतिरिक्त टीमें भी अब पुलिस की तरफ से भेजी जा रही है, क्योंकि पहले जब ये नौकर ने फोन किया था उसके बाद कंफ्यूजन हुआ था कि आखिरकार कौन है ये व्यक्ति। उन्होंने बताया कि ये एक्टर है और जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो उन्हें पता चला ये तो नामी एक्टर है। उसके बाद में अन्य पुलिसकर्मी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी भी बहुत से पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है जो और ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। हमारी कई पुलिसकर्मियों से बात हुई, उनका कहना है कि बहुत अधिक डिटेल हमारे पास नहीं आ पाया है, क्या कुछ वजह रही या ऐसा क्यों कदम उठाया या फिर क्या है पूरी हकीकत, पुलिसकर्मियों के पास अभी तक पूरी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। तो यार ये वीडियो आपने देखी होगी, सुनी होगी कि यार इतनी सैड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए भी, बिकॉज पाकिस्तान में भी इनको लाइक किया जाता है इतना ज़्यादा,
और बहुत ज़्यादा इनके दिल दुखाने वाली, यानी कि ये बात है कि कैसे मैं बयान करूँ यार, कितने अच्छे यानी कि ये एक्टर थे। बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह इनकी मगफरत फरमाए और इनको आला दर्जात इनके बुलंद करे। ये कहना चाहूँगा यार, वीडियो जो है वो नहीं अब बनाई जा रही है, तो आप प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।